12 साल के बाद हासिल कर ली थी। एक आम अध्याय के लिए दंपति जी को आप कहाँ देखने मुझे 12 साल में कहती हूँ उद्घाटन से 12 कदम चलना है। शायद हम एक कदम पूरा नहीं कर सकते। 12 साल में गवर्नर यदि एक अनुमान लगाए कि हम नॉर्मल सोच सकते हैं 12 कदम चलना चाहिए रास्ता देखता है तो 12 साल में हम एक कदम पूरा नहीं कर। आखिर कौन सी ऐसी दशा है कि ये एक कदम तक भी हम नहीं चल पा रहे जब किसी के साथ में दो और राज्यों का गठन हुआ था। अब हम उसके बारे में ये राय नहीं बना सकते हैं कि वो एक कदम से नहीं चलता। उनके कदमों को नहीं जानता कि हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हमने अपना एक कदम भी पूरा नहीं किया और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस एंड लीडरशिप। इस राज्य को लीडरशिप नहीं मिला और गवर्नेंस जिससे कार्य संस्कृति विकसित नहीं हुई और जो कार्य संस्कृति विकसित हुई वह कार्य संस्कृति अधोपतन की ओर ले गई। कार्य संस्कृति का अभिप्राय क्या है? जनहित में विकास के लिए सरकार काम कैसे करे, क्या व्याख्या, क्या इसकी व्यवस्था? यहाँ कार्य संस्कृति ऐसी बन गई कि एक पार्टी की सरकार नहीं है और जो पार्टियां प्रमुखता से शासन की उन्होंने वह शासन व्यवस्था शासन प्रणाली यहाँ मजबूती से विकसित हुई है। यहाँ अधिकारियों की 2-3-4 ग्रुप होती है, हर अधिकारी राज्य को अपने मुताबिक चलाते हैं। जो नेता उनकी बात यदि एक नेता नहीं सुने वो दूसरे नेता के पास जाएंगे, दूसरे नेता उनका बात नहीं सुना तीसरे नेता के पास गए और क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर अधिकारियों के पास है, राजनीतिक जो एग्जीक्यूटिव पावर को उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं और क्योंकि राजनेता खुद गलत करते हैं वो भ्रष्ट भ्रष्टाचार में दिखते हैं इसलिए अधिकारी उनको अपने अनुरूप घुमा देते हैं। वो अधिकारियों पर शासन नहीं कर सकते जनता के और अधिकारी उनको अपने अनुसार इस राज्य में घुमाते हैं। यहाँ के अधिकारी भी 90% 80-90% अधिकारी अनैतिक हैं, भ्रष्ट हैं और वही शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। बजी रहेगा कोई भी पार्टी चाहे यहाँ के क्षेत्र अपनी एक बना पाई जो कि आम जनता विश्वास देखिए कांग्रेस पार्टी को तो आज तक एक दिन भी इस राज्य में नया राज्य बनने और राज्य बनने के 15-20 साल पहले जो बिहार ये कही कि 35 वर्षों से एक दिन भी शासन में नहीं है, एक दिन भी कांग्रेस पार्टी शासन में नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस के शासन को लोग भूल चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की शासन भी कर चुकी और कांग्रेस का नेतृत्व भी बहुत बदल चुका है। जो नेतृत्व तो 35 वर्ष पहले था आज 35 वर्ष के बाद वही लोग नहीं हैं। 35 वर्ष पहले बिंदेश्वरी दुबे भगवत झाजा सत्येंद्र सिंह हुआ करते थे, 35 वर्ष बाद जगन्नाथ मिश्रा जी आज यहाँ पर के एन त्रिपाठी राजेंद्र सिंह दूसरे लोग तो नेतृत्व बदल चुका है। 35 वर्षों से कांग्रेस शासन में नहीं है, कांग्रेस 35 वर्षों से कांग्रेस में शासन है तो कांग्रेस के शासन को लोग भूल चुके हैं। कांग्रेस को एक पार्टी और पार्टियों की तरह एक पार्टी मानते हैं, गवर्नेंस वाली पार्टी यहाँ की जनता नहीं मानती।
और जो पार्टियां शासन में बैठी उन्होंने वही संस्कृति डेवलप की जिसकी व्याख्या मैंने आपको बताया कि कुछ अधिकारी अपने मुताबिक राज्य को चला रहे हैं, राजनेता भ्रष्ट हैं, उनके भ्रष्टाचार उनके कमजोरियों को जानते हैं, अपने अनुरूप आपसे वो काम कराना चाह रहे हैं, आप सरकार में शामिल एक छोटे नेता हैं, छोटे दल के नेता हैं, आपने बात नहीं मानी तो उस नेता के पास चले और उनसे अपनी बात। ये कारण तो नहीं है कि कांग्रेस तो या उनके जो यहाँ विकास भार संभाल रहे हैं लेकिन ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी को जो आक्रामक सेवा सरकार या सिस्टम के प्रति बनानी अपनानी चाहिए वो अपने नहीं। देखिए कांग्रेस पार्टी को सरकार के प्रति आक्रामक सेवा भी बनाना चाहिए और सिस्टम के प्रति भी नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व और कार्य संस्कृति इन दोनों के प्रति आक्रामक सेवा अपनाना चाहिए था, अभी तक जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। इतना ही सर, एक आरटीआई की रिपोर्ट हमें बताती है जो पूरे सिस्टम को कटघरे में लाता है, सारी पार्टियों को कटघरे में लाता है। क्या है ये एक ऐसा सिस्टम से जुड़ी हुई रिपोर्ट है जिसमें किसी व्यक्ति किसी से जुड़ कर नहीं पाता। इस रिपोर्ट में साफ जाहिर होता है कि हम भ्रष्टाचार के नाम पर व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन अभी न तो अभी तक न तो कुछ सरकार को पोलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार के तंत्र के रूप में कार्रवाई करता है। कैसे रिपोर्ट कैसे ये रिपोर्ट एक है याचिका से संबंधित जो एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई थी, उनके खिलाफ ये आरोप था लोगों ने अपने माइंड का अमल करके इन कंपनियों को लाभ पहुँचाया। ये रांची हाईकोर्ट में मामला लगे थे, लोग इनसे जुड़े हुए लोग जांच प्रक्रिया शेष हो गई। आरटीआई द्वारा मांगे गए सूचना अधिकार के तहत सूचनाएं बता रही थी अभी तक उपलब्ध शास्त्र प्रमाण के अनुसार ये कंपनियों को एनियो किया गया जिन कंपनियों के नाम रांची हाईकोर्ट में दर्ज किए गए हैं और जो व्यक्ति के खिलाफ जांच कार्रवाई चल रही है उन्होंने एक भी कंपनी का एमओयू नहीं किया था बल्कि खुद के मुख्यमंत्री ने किया था, उनके खिलाफ कोई जांच कार्रवाई नहीं। इसी कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 1909 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए, उस मुख्यमंत्री के प्रशंसा के समर्थन में जो अभी उसी कंपनी के उन्हीं कंपनियों के आरोप में लाभ पहुंचाने के आरोप में वो व्यक्ति अपील दर्ज कर दिए। तो यहाँ पर एक सवाल भी उठ खड़ा होता है, मैं आपको सौंप रहा हूँ ताकि ये सवाल भी आपके पास है। ये भी सवाल उठता है यहाँ पर एक व्यक्ति को टारगेट करना, व्यक्ति विशेष को टारगेट करना क्या भ्रष्टाचार की जीत है? जी ये क्या एक व्यक्ति अभी तक इस राज्य में इस मुद्दे पर किन्हीं ने सवाल नहीं उठाया कि जिन एमयू की आप बात कर रहे हैं और जो व्यक्ति उसका जांच करवाई चल रहा वो उसने किया नहीं और इस टीम के रूप में उसने वही कदम उठाया जो उसको करना था। पूर्व मुख्यमंत्री पूछताछ तो जो भी रहे हो वो तो जिसमें गेट है देखने की जीतने के लिए बहुत सारी बातें हैं ऐसी कि मैंने आपको बताया पहले एक अधिकारी वर्ग यदि आपसे व्यवस्था से नाराज हो गया तो उसके इन्फ्लुएंस में व्यवसायिक वर्ग है, उसके प्रभाव में राजनीतिक वर्ग है और उसके प्रभाव में बाकी वर्ग यहाँ पे चल, फिर वो सारे आपके ऊपर लेकर के पड़ जाएंगे और आपने गलती की तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो व्यक्ति विशेष बात आता है, यदि माइंस में घोटाला हुआ, मैं नाम लेकर बताता हूँ, मधु कोड़ा जी ने घोटाला किया, मधु कोड़ा जी जेल, लेकिन उस घोटाला क्या मधु कोड़ा अकेले घोटाला कर सकते हैं?
मैं नहीं मानता हूँ कि अकेले कर सकते हैं। यदि घोटाला माइंस हुआ तो माइंस सेक्रेटरी साथ में प्रपोज करेगा, बनाएगा, उसका डायरेक्टर बनाएगा, उसके और लोग बनाएंगे, फिर वह मामला लॉ मिनिस्ट्री को जाएगा, वित्त विभाग को जाएगा। जब एमओयू साइन हो रहा है तो राज्य के मुख्य सचिव साइन करेंगे, उस विभाग में और दूसरे लोग रहेंगे। उद्योग विभाग एमओयू साइन करता है, उद्योग विभाग एमओयू साइन करता है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। तो जो उद्योग विभाग एमओयू साइन कर रहा है, क्या वो एमओयू साइन करने के पहले राज्य की नीतियाँ बनी थी हमारे पास? सर आपने नाम खोला तो मैं यहाँ पर थोड़ा कुछ बता दूँ, क्योंकि मैं नाम किसी राजनेता का भी नहीं लेना चाह रहा था। उद्योग विभाग के डॉक्यूमेंट को सूचना अधिकार अधिनियम ने सूचना उपलब्ध कराई है, उसके अनुसार सभी भी मधु कोड़ा उद्योग विभाग के न तो प्रभारी मंत्री रहे, मंत्री रहे, न कोई पत्र हुए। हाँ, तो जब एमओयू साइन हुए, मैं नाम लेकर बताता हूँ कि अर्जुन मुंडा जी ने जब एमओयू साइन किया और एमओयू साइन करने के लिए रास्ता खोल दिया, मैं इसका गवाह हूँ। मेरे पास एक कंपनी पिछले बार मुझे कहा कि आप सरकार से, आप वहाँ प्रतिपक्ष में उपनिष्ठा हैं, मुझे एक एमओयू करवा दीजिए तो मैं आपको इतना पैसा दे दूँगा। हमने अपने तरीके से जो बात उसको समझा दी थी, तब मुझे समझ में आया कि भाई क्या इस राज्य में एमओयू के लिए भी पैसे कंपनियां देती होंगी, तब तो वो इस तरह की बात कर रहा है। तो जो एमओयू, सैकड़ों एमओयू यहाँ पर साइन कराए गए, और साइन कराए गए तो राज्य के किस नीति के तहत एमओयू साइन हो, कौन सी नीति बनाई कि जो कंपनियां आए और सब सरकार से एमओयू साइन कर, मतलब कि एमओयू साइन कराते जाओ और अपना निस्वार्थ करते जाओ, यही भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र। और एमओयू साइन होने के बाद, इसके बाद कुछ एक कंपनियों ने, बहुत कम कंपनियों ने, उसका 10% से भी कम कंपनियों ने उस पर अमल किया जो राज्य ने कहा। जिन कंपनियों को यह एमओयू साइन किया कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, कब आयरन ओर या दूसरे लेंगे, और उन्होंने इंडस्ट्री नहीं लगाई, वो अपना एक छोटा सा यूनिट स्पॉन्ज आयरन का लगा दिया और बाकी माल निकाल करके बेचना अपना खुले बाजार में बेचना शुरू कर दिया। तो मैं यह कहूँगा कि यह राज्य में जो हमारी संपदा है माइंस, इसको चुपचाप तुम निकाल करके बेचो, बाहर बेचो और प्रॉफिट कमाओ, उसका 1/100 भाग हमें रेवेन्यू के रूप में दे दो, 100 भाग, एंड रेस्ट 99/100 यू टेक अवे योर प्रॉफिट। यह लाइसेंस इस सरकार ने उन कंपनियों को दे दिया, चाहे जो भी सरकार है, और इससे राज्य के राजस्व को बहुत क्षति हुई, यहाँ की जनता को बहुत क्षति हुआ। हमें जो जानकारी थी, भारत सरकार को भी इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, कुछ परिवर्तन कर रही है, लेकिन उतना परिवर्तन नहीं कर रही है जितना होना चाहिए। साउथ अफ्रीका में वहाँ पर कंपनियों को जो बीज दिए जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट पे दिए गए, और किया जाता है कि अपने प्रॉफिट का 50% उसी जिला में आप वेलफेयर फंड में दे दीजिए, एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, यदि आप सपोज लीजिए कि चाई बात है सिंहभूम जिला में जो आयरन ओर है, उसका यदि प्रॉफिट का 50% और जमशेदपुर में जो है, यदि टाटा और जो वहाँ लगी हुई कंपनियाँ हैं वहीं के वेलफेयर यूनिट्स को दे दें, और वह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके वेलफेयर यूनिट्स में भ्रष्टाचार ना उसको मॉनिटर करे और वह वहाँ की जनता के लिए हित में हो, तो अमेरिका की तरह डेवलप हो जाता जमशेदपुर और चाइना। इतने सैकड़ों नहीं, 1000 करोड़ रुपए एक एक जिले को मिलेंगे। कहने का अर्थ मेरा ये कि मैं मधु कोड़ा का मामला नहीं उठा रहा हूँ, मेरे पास ये प्रमाण उपलब्ध नहीं है, और ये मैं चल रहा हूँ कि मैंने शुरू में कहा था क्या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से सिस्टम सुधर जाता है, इसको मैंने प्रमाण दिया। अभी तक जो आपने कहा, कुछ कुछ तक भी मैं भी आने वाला था कि आखिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई जो तंत्र थे, जो नीतियाँ बनाती हैं, एक कार्रवाई होनी चाहिए एक अधिकारी से लेकर। तो जैसे कि एक मामला कांग्रेस गवर्नमेंट की हुआ 2 years
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो लाइसेंस रद्द कर दीजिए, इससे घाटा हुआ, तो केंद्र सरकार ने तुरंत उसको रद्द कर दिया। लेकिन अभी तक अगर मधुपुरा झारखंड को लूट लेगा बाइंस देकर, तो बेशक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है और हो रही है। वो न्यायपाल का जो प्रक्रिया अपना हो गया, कानून अपना काम। सवाल ये है सबसे बड़ी चीज, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मधु कोड़ा ने 44 एमयू गलत किया तो एमयू को अभी तक रद्द क्यों नहीं किया? उसने सारे जितने लोग थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, तो क्या व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार को न्यायपाल का रोक लिया? क्या सब जमा जांच एजेंसियां भी घेरे में आती है कि जांच एजेंसियां घेरे में की जाती है व्यक्तिगत तौर पर? जैसे मैंने अध्ययन किया, इसमें जो प्रांतीय हाईकोर्ट में जो पेपर लगाए गए हैं, इसकी इंक्वायरी चल रही है 344 एमईओ की। अब इस एमईओ में एक भी ऐसा एमईओ नहीं है जिससे मधुपुरा ने किया हो, या आवंटन 2004 में किया गया। पिछला विधानसभा के चुनाव के आयन पहले 24/4/11 को आयन चुनाव में खुद गवर्नमेंट से हटने वाली की पूर्व सरकार अजय मुंडा जी की सरकार थी, तो उन्होंने 9 कंपनियों का आवंटन एक तिथि को एक समय में किया। अभी तक जांच कंपनियां इस जो जांच एजेंसियां हैं इन कंपनियों को और इन उस समय का जो सिस्टम था उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं करती। आपकी बात सही है और इस पर जितने एमओयू साइन हुए, जितने एमओयू रद्द हुए, जितने माइंस अलॉट हुए, जितने माइंस अलॉटमेंट की अनुशंसा हुए राज्य सरकार के द्वारा, जितने कोल ब्लॉक्स की अनुशंसा हुए इस राज्य के यहाँ, जितने दूसरे माइंस की अनुशंसा हुए, जितने थर्मल पावर लगाने के लिए एमओयू हुए, कितने थर्मल पावर लग रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जांच है यहाँ पर। इसकी जांच की आवश्यकता होनी चाहिए और एक सिर्फ मधुपुरा के लिए कानून अपना कार्य कर रहा है, लेकिन उस सिस्टम में जो जो लोग, चाहे वो पदाधिकारी थे, चाहे वो व्यवसायी थे, चाहे वह दूसरे राजनीतिक थे, सबको जांच में सबके ऊपर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई सबके ऊपर। मतलब यह है कि हमारा सिस्टम का पूरा कार्यभार राज्यपालिका देगी, विधायक का मॉनिटरिंग करे, लेकिन जब कुछ कमियां सामने आती है उसमें राज्यपालिका बच जाती है और विधायिका फंस जाती है। और यही कारण है कि हमारा पूरा सिस्टम का राजनीति बदनाम होती है। और जिस लोकतंत्र में राजनीति बदनाम होती है वहाँ जो अव्यवस्था हो जाती है। ये भी सवाल हो सकते हैं, आपके जीवन में मेरे जीवन में भी, आम आदमी के जीवन में भी, हमारे जीवन में भी, कि अगर मधु कोड़ा का लूट राज, तो क्या मधु कोड़ा को देना बंद करने के बाद लूट में कमी आई? तो बढ़ गई है। हुआ ये है कि मधु कोड़ा पकड़े गए, मधु कोड़ा के साथ जो लोग पकड़े गए वो किन कारणों से पकड़े गए, उन्होंने चोरी करने में कहाँ गलतियाँ की, ये लोग जो अभी बैठे हुए लोग हैं वही असेसमेंट करके उन कमियों को अपना पूरा कर रहे हैं और अपना स्पीड उससे ज्यादा है। यदि इसकी जांच हो तो अर्जुन मुंडा उर्वी का नजर मधुपुरा के नीचे। सवाल मेरा प्रमुख सवाल यही है कि सिस्टम के खिलाफ, ये जो सिस्टम है, सिस्टम कुछ किसी व्यक्ति का नहीं, इस सिस्टम के खिलाफ जांच कर, इसकी जांच हो। इतना ही कहूँगा न तो मैं जांच करने के लिए उपयुक्त अथॉरिटी हूँ जांच के आदेश करने के लिए, और न मैं वैसे किसी भी कार्यपालिका के पद पर हूँ कि हमारी शक्तियाँ मेरे हाथों में नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको कि जांच होनी चाहिए। और हम ऐसे भी पहले से आपको बताने से पहले से हमने ये सोच रखा है कि इस विधानसभा में आगामी जो भी आने जाना करते हैं इन मामलों को हम जान, मामला यही होगा उसके हमारे लाइन भले बाएं से जाए दहीने से जाए या करते नहीं पहुँचेगा, लेकिन इस पर ध्यान आकर्षण में बहुत के लिए। और जब भी मैंने ध्यान आकर्षण पिछली बार लाया था कार्यपालिका और विधायिका पर, स्पीकर ने बात नहीं चलने उसको रोक दिया,
मैं अस्वस्थ था शारीरिक रूप से, ताकि मैं लड़ नहीं सकता। तो वहाँ भी लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों जरूरी, बहुत जरूरी है। नहीं मिलेगा शरीर रूप से तो बोल ही नहीं पाइएगा, और जब तक आप जिद नहीं कीजिएगा वहाँ पर जनता के लिए, तब तक आपका कोई कार्य वहाँ नियम से कोई कार्य होता ही नहीं। मतलब विधानसभा को भी सरकार ही नहीं मिलकर सरकार करती है, और सरकार जो पार्टी नेतृत्व करती है उस पार्टी के लोग करते हैं। यहाँ पर स्पीकर ने उन परंपरा को ला दिया। स्पीकर कहते हैं सुशासन पर बैठ करके कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भाजपा ही हूँ। जिस चेयर पर अब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के चेयर पर बैठ के कहते हैं मैं गर्व से कहता हूँ कांग्रेसी हूँ, तो उस बस की मर्यादा निष्पक्षता की क्या रहती। देश की जनता फिर कैसे दूसरे विचारधारा के लोग उनके पास जाए। स्पीकर की कुर्सी पर बैठ करके जब मैंने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा था वो विधानसभा में लिखा था, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ विधानसभा को, आपके जैसे निष्पक्ष कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को इन भाजपाइयों ने चारों तरफ कमल फूल के साथ आपका फोटो चौक चौराहों पर लगा दिया है। तो क्या कहते हैं, मुझे अपेक्षा थी कि वो ये कहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं, मैं आपको भी देता हूं कि आप कांग्रेसी भी मेरा फोटो लगा दीजिए। मैं उनके जगह पर रहता तो मैं यही करता। वो क्या करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भाजपा ही हूं, और मेरा भाजपा के साथ पूरा फोटो रहे, भाजपा के साथ कार्यक्रम में मैं रहूंगा, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भाजपा ही हूं। यह सुनकर खुशी मर्यादित करेंगे। बाकी राजेश की अन्नपूर्णा देवी और सारे लोगों ने खड़ा होकर के खाते खाते दिया, बैठ गए, बैठ जाइए उस कुर्सी की मर्यादा को अच्छी खा ले मत कर। सर ये शिकायत बहुत से जनप्रतिनिधियों से लगातार, ये शिकायत आमतौर पर है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो सही मुद्दे पर बोलने नहीं देते। नहीं सही, यहाँ दो मुद्दों पर हमने उनसे बात की। एक मुद्दा यह था कि आर्टिकल 208 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज टू फॉर्म द रूल टू रेगुलेट द असेंबली, वह बताता है कि आप कानून बनाइए जिससे असेंबली चले। मैंने उनको दिखाया कि तमिलनाडु विधानसभा ने, पंजाब विधानसभा ने, उड़ीसा विधानसभा ने कानून बनाया है कि कम से कम इतने दिनों तक विधानसभा चले। हमने कहा कि यह विधानसभा संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चले। एक लाइन बोलना था जिसका जवाब विधानसभा अध्यक्ष पता है क्या देते हैं, जो मैं कह रहा हूँ उनका ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में बना के देख सकते हैं। वो कहते हैं कि गुड़ खाए गुलगुले से पहले अब हमें यह बताइए कि यदि मैं यह कहता हूँ कि विधानसभा संवैधानिक प्रावधानों के तहत नहीं चलती, मान लीजिए मैं गुड़ खाता हूँ, मान लीजिए मैं मिठाई भी खाता हूँ, अब ला के आप दे दीजिए तो मिठाई तो खाना ही पड़ेगा, तो मिठाई भी खाता हूँ, तो लेकिन इसमें संवैधानिक प्रावधानों की बात कहां से आती है कि वो आप संविधान की बात विधानसभा में नहीं करेंगे क्योंकि गुड़ खा लिए। मैंने उनको कहा कि अध्यक्ष महोदय आप अमर्यादित बात कह रहे हैं, पहले तो मैं गुड़ खा के नहीं रोटी और सब्जी खा के आया हूँ, और दूसरी बात मैंने खाने और पीने की बात तो नहीं की, मैंने बात किया कि यह विधानसभा संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही, आप मर्यादित कुर्सी पर बैठ के अमर्यादित बात कर रहे हैं, आप अपनी बात को वापस लीजिए और फिर विधानसभा आगे चले। मैं विधानसभा नहीं चलाऊंगा, उठ करके अब चले। आप लोग होंगे मीडिया लिखता है कि ना हल्ला ना हंगामा विधानसभा चल रहा है, सिर्फ हम पूछ रहे हैं कि नहीं चल रही, अब जवाब दीजिए क्यों नहीं चल रही है। मीडिया को लेकर मेरे मन में एक सवाल है, उसके पहले मैं हम आपसे जानना चाहती हूँ कि जो वर्तमान सरकार है उसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। देखिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक सरकार है, एक सरकार बनी हुई है, एक सरकार चल रही है, लोग मान रहे हैं, लेकिन हम परेशान हैं। हम जनप्रतिनिधि आप 81 में से जो सरकार में हैं उनको भी ले लीजिए लेजिस्लेचर में, जो मंत्री उनसे भी पूछिए वो तो क्या रहा है। जनता का मंत्री वह उस व्यवस्था का सर्व प्रमुख है,
वह अपने सचिव को निर्देश देता है कि आप यह कार्य करें, वह मना कर देता है कि मैं नहीं। ठीक, यदि मंत्री ने गलत निर्देश दिया तो मिनिस्टर शुड रिसेक्ट। यदि सेक्रेटरी ने डिसऑबे किया, यदि मामला मीडिया में आ गया, तो सेक्रेटरी शुड रिसेक्ट। नाइदर मिनिस्टर इज बीइंग सैक्ड नॉर सेक्रेटरी इज बीइंग सैक्ड। मिनिस्टर इज क्राइंग ए हॉल एंड सेक्रेटरी इज बीइंग पिक्ड अप बाय द चीफ मिनिस्टर इन द हेलीकॉप्टर टू शो दैट मिनिस्टर्स आर वर्किंग अंडर द सेक्रेटरी। दिस इज द व्यवस्था इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द चीफ ऑफ द स्टेट। यह इस राज्य में अभी जो हाल के दिनों से एक मामला उठकर सामने आ रही है, यहाँ पर जो हमारे जीटीसी हेमंत सोरेन, वो हर जगह वो गलती होती है, हर जगह खुलेआम में बोल रहे हैं सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, विकास नाम का कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, अधिकारी में लगाम हो गए हैं। वो उनके ड्यूटी में पुलिस मौके थी ना, उनका कहना है कि सरकार दौड़ रही है, विकास हो रहा है, हम आपका अब सरकार का नहीं कि सरकार किसको बोलते हैं, न हेमंत सोरेन जी को पता है, न सुरेश महतो जी को पता है, हमें तो ऐसा ही होगा। यदि सरकार इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट, यह कैबिनेट के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्नमेंट करती है, गवर्नर उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक खास होता रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इज चीफ मिनिस्टर। तो यदि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, इसका मतलब कि कैबिनेट से उनका भरोसा उठ चुका है। फिर और यदि कैबिनेट से भरोसा उठ चुका है, कैबिनेट उनकी बात नहीं मानते, कैबिनेट उनकी भावनाओं के अनुसार नहीं चल रही, इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि एक दिन भी जिस दिन कहे रहना, या तो उनकी नैतिकता के खिलाफ है, और नहीं तो वह रह करके मजबूरियों पर अपना कोई कार्य कर रहे हैं जो कि जनहित का है, वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मजबूरी बस तो सरकार में था। तो यह तो अनैतिक है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी। किसी भी राज्य का क्षेत्र के विकास के लिए यह है कि जनमत का एक निर्माण का एक मात्र साधन आज के दौर में मीडिया ही है। इस प्रदेश में झारखंड में आप मीडिया को किस देखिए, मीडिया तो बहुत हद तक निष्पक्ष कार्य कर रही है, लेकिन मैं मीडिया की व्यवस्था को देख रहा हूँ। मीडिया को गवर्नमेंट से एडवर्टाइजमेंट चाहिए, और बहुत जगहों पर मीडिया मामले को गवर्नमेंट के मामले को दबा देती है, यह नहीं चाहती है कि गवर्नमेंट उनसे ऑफेंड हो। ये छोटे छोटे जो मीडिया हॉट उम्र है, इससे भी इतना समाता है, वो तो लोग बहुत गंभीरता से लेते भी नहीं हैं। जो प्रमुख 8-10 मीडिया जो पहले से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट, उन्हीं को लोग गंभीरता से लेते हैं, और उन्हीं की लोग बातों को सुनते और पढ़ते भी हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट से एडवर्टाइजमेंट वाली जो व्यवस्था है, इसके चलते मीडिया की दुकान दब जा रही है। इसके लिए सोचने की जरूरत है कि कोई ऐसी व्यवस्था हो सरकार से एडवर्टाइजमेंट, इस पर विचार करें। झारखंड में झारखंड की मीडिया के बारे में एक बात और भी सामने आती है कि यहाँ के जो बच्चे, क्योंकि यहाँ का पूरी संसाधन क्रिमिनल माइंड से पेश करती है, वो लोग यहाँ के क्रिमिनल माइंड में अपना कदम रख चुके हैं, और वहाँ से वो प्रॉफिट कमाने के लिए मीडिया का सहारा लेते हैं, सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, ऐसी बातें हमें भी सुनने को कि ऐसा हो रहा है। और इसके लिए भी क्या कोड ऑफ कंडक्ट, इन बातों का भी जो मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, इन बातों का इनकॉर्पोरेशन। आप करके आगे का अब लक्ष्य कैसे होती है? देखिए, मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ और आशावादी, मैं जान रहा हूँ कि यह सरकार, यह सारी व्यवस्थाएँ भगवान के इच्छा के अनुरूप चल रही है।
मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, मतलब भगवान 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 बुद्ध ने कहा था, भगवान परोसे भगवान बुद्ध ने कहा था धर्म चक्र परिवर्तन। उन्होंने कहा था कि कोई भी एक जैसा समय कभी न रहा है न रहेगा, तो हमें इसका धर्म चक्र परिवर्तन। तो आज जो व्यवस्था है ये व्यवस्था बदलेगी, दूसरी व्यवस्था आएगी और उस व्यवस्था में अच्छा। सर अंतिम सवाल की याद आ गई, भूल रहे थे चलते चलते कि नगरी तब पूरे प्रकरण में अब तक जो बातें सामने आई है उसमें पता लगता है देखने से कि न्यायालय ने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया, गांव वाले अपना काम किया, जो समस्या जो बीच में रह गई समस्या की समस्या बन गई। देखिए आपने अभी कहा ना एक उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार की कोई चीज, अभी तक सरकार को जो भी निर्णय है गवर्नमेंट को निर्णय ले लेना चाहिए और ले करके कोर्ट को दे देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट में निर्णय की क्षमता है, गवर्नमेंट में 10 धड़े हैं, 10 तरह से सोचते हैं और 100 धड़े अपने नहीं सोचते, उनको अधिकारी सोचवाते हैं। रोचक मतलब ये भी सामने आता है कि जिस पार्टी के मिनिस्टर कमेटी के जांच कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं उसी पार्टी के सुप्रीमो सरकार संचालन कमेटी के अध्यक्ष हैं, इधर पार्टी के मंत्री जांच करने और पेश करने के लिए और उनके सुप्रीमो पहले ही सुप्रीमो पहले ही बोलते जाकर बोलते हैं। अब तो वही लोग से पूछिए कि कैसी व्यवस्था में है, कैसे चला रहे हैं। अब गुरु जी पर तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, उनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, मैं भी उनको सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, तो वही बताएंगे। जो मसला है विस्थापन का और पलायन का, नगरी की तरह बहुत सारा कारण है, चाहे वो लोग दिल्ली के उदाहरण देते हैं, टाटा कंपनी का देखें, बोकारो का देखें, जो नहर बांध रही है नहर पर देखें, तो ये चूक बार बार कैसे क्यों हो रही है? अभी तक जो भी मामले विस्थापन के आते रहे हैं नगरी को भी हम लोग उसी संदर्भ में देख सकते हैं, जमीन लेने देने की जहाँ तक बात होती है तो स्थानीय लोगों में बहुत भरोसा सरकार करना नहीं पड़ता रही है, चाहे नगरी का इलाका हो चाहे वो टाटा कंपनी का मामला हो चाहे बोकारो का मामला हो, विस्थापन में बड़ा मुद्दा है। ये देखिए इसके लिए जो 12 वर्ष अभी तक सरकार ने कोई नीति नहीं, इसके लिए एक पॉलिसी निर्धारित हो जाना चाहिए और उस पॉलिसी के तहत भूमि अधिग्रहण का काम होना चाहिए। यदि होना है भूमि अधिग्रहण तो वह नीति बने कि जैसे कि हमने भी बताया ना को माइंस माइंस के लिए भी भूमि ली जाती है तो उस भूमि में उसका जो प्रॉफिट होगा 50% वहाँ पर मिलते हैं। उसी तरह यदि आप विश्वविद्यालय के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए आप जिसकी भूमि ले रहे हैं उसको क्या मिलने जा रहा है, सरकार कैसे क्या दे रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई नीति नहीं, लेकिन 12 वर्षों में कोई पॉलिसी मेकिंग का काम जो लेजिस्लेचर का है वह लेजिस्लेचर ने दिया ही नहीं था, कहीं कोई काम हुआ ही नहीं। मैंने बोला ना कि 12 कदम यदि चलना चाहिए था तो हम ये नहीं कर सकते कि एक कदम भी पूरा नहीं कर पा, तो लेजिस्लेचर का जो लेजिस्लेटिव वर्क था वो नहीं किया, अधिकारियों का एग्जीक्यूशन का जो वर्क था जो फॉर्म जो पहले से परफॉर्मा बने हुए हैं जो बिहार से या दूसरे जगहों से उसको इन लोगों ने डिस्टॉर्ट करके रख दिया, एक्सक्यूज नहीं कर सके, तो इसलिए राज्य में एनर्जी का माहौल है। जब तक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग हेड इस राज्य में नहीं बैठेगा, जो निर्णय लेने की क्षमता हो, जो निर्णय के बाद आने वाले परिणामों से भयभीत नहीं हो, जब तक ऐसा नहीं होगा ये चीज़ें सुचारू रूप से पटरी पर नहीं। सर हालांकि ये कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है लेकिन फिर भी राज्य के प्रमुख पद पर एक विशेष समुदाय उनको ही चयन करने की परंपरा बदलेगी, कहीं ये विकास में तो कहीं कुछ बाधा नहीं बन पाता, मत मान लीजिए सी एम होंगे तो अभी आपके सी एम होंगे, ऐसी तो हमारे संवैधानिक व्यवस्था व्यवस्था में तो नहीं है। इसमें भी एक बात जरूरी है, हमें नहीं कहते कि आदिवासी ना हो और हमें भी नहीं कहते कि गैर आदिवासी ना हो, हमारा यह कहना है कि जो बहुमत दल का नेता चुना है और जिसमें योग्यता वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री, राजनीतिक
दल या जो लोग मुख्यमंत्री की बात करते हैं विस्परिंग आता है धीरे धीरे मुझसे कि नहीं आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री ऐसी व्यवस्था है ना संवैधानिक व्यवस्था है। जिस नेता को ढूंढने की बात आती है तो यदि आदिवासी कभी बने या गैर आदिवासी कभी बने जिसमें जब उसमें मुख्यमंत्री पद को चलाने की योग्यता हो तो सारे लोगों का दिमाग उसी समुदाय के लिए ढूंढने के लिए ढूंढने के लिए बाकी राजनीतिक दलों के बारे में बड़े राजनीतिक दलों के बारे में हमारी औकात देखी उसी अनुसार मौका मिला माननीय महामहिम प्रणब मुखर्जी जी से पूछे वो इस पर बता पाएंगे जो इन सबके ऊपर है आपकी पार्टी को भी एक बार सरकार चुनने का मौका मिला समर्थन बाहर की पार्टी को दे दिया गया पार्टी ने देखा पार्टी सरकार में नहीं सरकार चलाना और बाहर से समर्थन समर्थन दे देने से एग्जीक्यूटिव आपके अंदर में कार्य प्रभाव तो होता है प्रभाव क्या अपना काम करवा लीजिए वही प्रभाव है उसमें यू आर नो वेयर इन द मैटर ऑफ गवर्नमेंट आप अपना काम जाकर करा सकते हैं जिस लोगों में मेरी लैंग्वेज राजनीतिक पत्रिका है आपने बहुत सारी बातें मुझसे की हमारे लिए बहुत और राजनीतिक मैगजीन है तो लगता है लेकिन मैं आपको बताऊँ मैं अपने जो बात मैं बोला हूँ निर्भीक होकर के बोला हूँ और बिना कोई प्रभाव से कहीं किसी तरह के प्रभाव लोग देखते हैं विधानसभा में भी जो बोलते हैं तो फिर गन किधर लगेगा पता नहीं हम अपना गोली हमारा जो तीसरे हो चाहे ऑफलाइन की बात